दोस्तों इस समय अभिषेक पर जो आरोप लग रहे हैं या जिस तरीके की बातें अभिषेक को लेकर हो रही है ना, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा हैरान करने वाली तो हैं, क्योंकि चाहे वो अभिषेक हो या वो मुनव्वर हो, दोनों ने ही अपने किए पर पछतावा दिखाया और उसकी माफी भी मांगी है। और जहां तक मुझे लगता है, अगर आप इस चीज को समझें और अगर बड़े बुजुर्गों से पूछें, तो यही चीज कही जाती है कि अगर आपने गलती की और अगर उसका आपको पछतावा हो, तो इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो अभिषेक हो या मुनव्वर हो, दोनों को उस चीज का पछतावा हुआ है और दोनों ने उस चीज पर, बोलते हैं ना, एक एक एक, एक रिग्रेट दिखाया है कि हमको बुरा लग रहा है उस चीज के बारे में। बट उसी चीज को बार बार इन्वॉल्व करके लगाया जा रहा है सामने। जैसे आप जानते हैं कि आज घर के अंदर दिबांग की अदालत लगने वाली है, तो उसमें क्या क्या सवाल अभिषेक से पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं, ये जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है, स्वागत करता हूं आपका। आप सभी को एक बात बताऊं तो भाई, अभिषेक ने जब उस चीज को क्लियरली खुले में चौड़े में मान लिया है कि हाँ मेरे से गलती हुई थी यार, बट सामने से भी तो गलती हुई थी, मैं अकेली क्यों गलत हूं उस चीज में, मुझे अकेली क्यों उसी एक चीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो दोस्तों ये मुद्दा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है, समझ रहे हो। जैसे अभिषेक को ना आज दिबांग के बाद कहने वाले कि शालीन भनोट आते हैं अभिषेक के सपोर्ट में और वो कहते हैं कि आपने इनकी जर्नी देखी, जिसका शालीन कहते हैं हाँ मैंने देखी और मैं आज इसको, मैं डेस्परेट होकर इसको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो चीज़ें इसके साथ हुई वो गलत हुई हैं। इसके आज ये कहते हैं दिबांग की बाहर जाकर झेलेगा, इसको पता है ये सारी चीज़ें। शालीन कहते हैं कि इसके साथ गलत हुआ है, मतलब एक शो में इसको मेंटली जो है आप उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, इसको टॉर्चर कर रहे हैं। इवन शालीन के साथ भी यही चीज़ हुई थी, शालीन को मेंटली उस लेवल पर टॉर्चर किया गया, कहीं ना कहीं मेंटली उस हेल्थ का मजाक उड़ाया गया कि आप पूछिए मत। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय दोस्तों सोशल मीडिया पर दिबांग पर ये सवाल उठ रहा है कि आप आखिर ये सारी चीज़ें क्यों कह रहे हैं कि वो झेलेगा बाहर जाकर। देखिए वो झेलेगा नहीं झेलेगा वो उसके खुद की बात है, बट कहीं ना कहीं उसने अपने आप से चीजें सॉर्ट करने की कोशिश की है, माफी मांगी, अब इससे ज्यादा वो क्या कर ले। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, जरूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।